मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कोटपुतली दौरा, कोटपुतली के प्रशासनिक और अकादमिक भवन का लोकार्पण कार्यक्रम। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगी दिया कुमारी। फीता काटकर भवन का लोकार्पण करेंगे दिया कुमारी। बड़ी खबर, अकादमिक भवन का लोकार्पण। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का कोटपुतली दौरा। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगी दिया कुमारी। फीता काटकर भवन का लोकार्पण करेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। अकादमिक भवन का लोकार्पण कार्यक्रम है और साथ ही आपको बता दें कोटपुतली के प्रशासनिक और अकादमिक भवन का ये लोकार्पण कार्यक्रम है, जहां बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और फीता काटकर भवन का लोकार्पण करेंगी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी। कोटपुतली दौरे पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी और कोटपुतली के प्रशासनिक और अकादमिक भवन का लोकार्पण कार्यक्रम है। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी हिमांशु सेन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ पूरी जानकारी डिप्टी सीएम के इस दौरे को लेकर? हिमांशु, क्या कुछ पूरी जानकारी उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? जी, आज कुछ देर पहले ही उप मुख्यमंत्री कोटपुतली पहुंची है, जहां पातरेड़ी गांव के अंदर कृषि महाविद्यालय के कोटपुतली में प्रशासनिक और अकादमिक भवन है, उसका लोकार्पण करने यहां बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पहुंची है। अभी कार्यक्रम के अंदर यहाँ सांसद राव राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह यादव जी और अभी यहाँ के MLA के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है कार्यक्रम। कितने समय में लोकार्पण का ये कार्यक्रम होना है? अभी कार्यक्रम लोकार्पण हो चुका है, कार्यक्रम चालू है, लेकिन अभी उद्बोधन दिया कुमारी जी का होगा, उसी कार्यक्रम के तहत अभी कार्यक्रम चल रहा है। चलिए, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो लोकार्पण कर दिया है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने और कार्यक्रम जारी है, वहाँ डिप्टी सीएम का उद्बोधन भी होगा।